कशी शो, स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। अगर देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी की समस्याएं कह लीजिए, कठिनाइयां कह लीजिए या दिक्कतें कह लीजिए, वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी तक कोई भी फैसला सामने नहीं आया है। क्योंकि अभी राहुल गांधी जिस तरीके से पटना कोर्ट का सामना करते नजर आए, उसके बाद सूरत कोर्ट का, और वहां पर याचिका को खारिज कर दिया गया, तो कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट मामले की भी बात की गई कि हाईकोर्ट पहुंचेंगे और उसके बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। अब आपको बता दें कि 2019 का ये मामला है मानहानि का, जब यहाँ पर उन्होंने कुछ मोदी को लेकर जो टिप्पणी की थी, और कर्नाटक के कोलार में ही उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन अब देखा जाए तो राहुल गांधी साफ तौर पर यही बार बार दोहराते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने सारे मोदियों के बारे में नहीं कहा था, उन्होंने एक पर्टिकुलर मोदी के बारे में कहा था, और जिस तरीके से उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है, पूरी पूरी करतूत यहाँ पर बीजेपी पार्टी की है, इस तरीके से अपनी बात को रखते नजर आए। लेकिन अब देखा जाए यहाँ पर तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार संसद को घेरा जा रहा है, कभी राष्ट्रपति भवन को घेरा जा रहा है, काले कपड़े पहनकर कभी भी सड़कों पर उतर आते हैं, हंगामा करते हैं जमकर, और यहाँ पर अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी लगातार यहाँ पर गुहार लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वही दूसरी तरफ देखा जाए तो राहुल गांधी को लेकर ये जानकारी भी सामने आती है कि उन्होंने एक बार नहीं, दो बार नहीं, काफी बार सावरकर के मुद्दे पर भी अपनी टिप्पणी की है। उन्होंने बार बार यही कहा है कि वो सावरकर नहीं है कि माफी मांगे, वो गांधी है और वो लड़ेंगे। वही राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा करते नजर आए थे, अगर भारत जोड़ो यात्रा से पहले जाए तो कांग्रेस पार्टी की कुछ दुर्दशा इस तरीके से हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि शायद पार्टी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी और इतिहास में आने वाले जो फ्यूचर वाले लोग हैं वो पढ़ेंगे कि एक समय पर कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी। लेकिन देखा जाए कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जान यहाँ पर पार्टी में जान फूकी गई, उसके बाद लगा कि हाँ राहुल गांधी की इमेज पूरी तरीके से बदल गई है और कांग्रेस पार्टी अब कुछ करके दिखाएगी। लेकिन वहीं पर फिर हिमाचल के चुनाव होते हैं, हिमाचल में जीत मिल जाती है कांग्रेस को, तो एक बार लगा कि हाँ विधानसभा चुनाव शायद जीत सकती है कांग्रेस पार्टी। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि राहुल गांधी पीएम नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी पार्टी के लिए चुनौती बन गए थे, इसलिए यहाँ पर पूरी तरीके से टारगेट किसी छोटे मोटे नेता को नहीं, सीधा टारगेट यहाँ राहुल गांधी को ही किया गया। देखा जाए नेशनल हेराल्ड केस को, तब भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के गले में फांस फंसती नजर आई थी, और वही अब चीज यहाँ पर सिर्फ राहुल गांधी में देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का लगातार यही इल्जाम है बीजेपी पर कि राहुल गांधी से डर गई थी बीजेपी सरकार, इसलिए उन्हें पूरी तरीके से फंसाया जा रहा है। अब साथ ही साथ देखा जाए यहाँ पर तो राहुल गांधी की संसदीय वापस मिलेगी नहीं मिलेगी, इस पर तो सवाल बना ही हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से चार और मामलों की बात कही जा रही है कि उस पर भी कड़ी कार्रवाई होगी, उसका क्या होगा, ये सवाल बना हुआ है। लेकिन आखिरी में यही कहेंगे कि यहाँ पर अब जिस तरीके से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने की बातें सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि राहुल गांधी शायद वहां तक गुहार लगा सकते हैं, शायद सोनिया गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ पहुंच सकती है, तो ये देखना होगा कि आखिरकार आगे होता क्या है। इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।